हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, जब हम ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं अलग अलग वेबसाइट से, चाहे टॉपेज, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट या एसेक्टा, काफ़ी है, मेशो, शॉपसी, शॉपी, अलग अलग तरह की। तो अगर आप इनसे ऑनलाइन बाय प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या क्या सावधानी या क्या क्या ऐसे टिप्स हैं जो इससे आपको बाद में कोई नुकसान या कुछ ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरह के रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस अगर आप भी चाहते हो किसी एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे वीडियो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दिवाली हो या कोई भी त्यौहार, जब भी कोई भी त्यौहार या खास तौर पे दिवाली आती है तो ऑनलाइन शॉपिंग के ऑफर और सेल हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका इंतजार हर त्यौहार या हर कोई ना कोई ऐसे फेस्टिवल थिंग्स पे रहता है। हर किसी को किस सेल आए और हम अलग अलग तरह की गैजेट, क्लोथ या अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हम कम दाम पे खरीदें। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि भारी डिस्काउंट के बाद भी ग्राहकों को लास्ट में आके कहीं ना कहीं चूना लगता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम ऑनलाइन खरीदते समय ध्यान में नहीं देते? तो चलिए ऐसे चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ऐसी वेबसाइटों से शॉपिंग करनी चाहिए जो भरोसेमंद हो। ऐसी वेबसाइटों पे शॉपिंग बिल्कुल भी मत करें जो जिनका अता पता नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप सस्ते के चक्कर में कि कोई 1 रुपये में या 10 रुपये में, 100 रुपये में आपको फ़ोन दे रहा है, या 10,000 में आपको आईफोन दे रहे हैं, या अलग अलग तरह की कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जो सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी ओर लाते हैं लेकिन उनका काम होता है फ्रॉड करना। तो इसलिए इस चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप किसी वेबसाइट से ख़रीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्या वो वेबसाइट जेन्युइन है, या आपके आस पास कौन सी वेबसाइटें ज़्यादा चलन में हैं। क्योंकि आपको कुछ ऐसे वेबसाइटों से बाय करते जिनका नाम भी नहीं सुना होता, और कई बार वो इस कारण से आप धोखे का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान दें कि ऐसी बड़ी वेबसाइटों से या छोटी जितनी भी हैं, कोई भी वेबसाइट या ऐप है, तो ख़रीदते समय ये ध्यान रखें कि वो भरोसेमंद हो, अगर आपने पहले प्रोडक्ट मंगवाया है या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये डाउट हो सकता है तो कोशिश ये करें कि पहले कुछ छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, एकदम आप कोई बड़ी अमाउंट का प्रोडक्ट ना खरीदें। जब आपको लगे ये वेबसाइट जेन्युइन है या जो भी प्रोडक्ट ये भेजते हैं वो सही है अकॉर्डिंग टू रेटिंग, तो आप कोशिश करें कि बड़े प्रोडक्ट आप उन पे बाय करें। फिर नेक्स्ट है कि एक चीज़ की कीमत अलग अलग वेबसाइटों पर अलग अलग होती है। ख़रीदारी करते समय आप कीमतों की तुलना करें और आप जहाँ से ख़रीद रहे हो दूसरी साइट पर अलग कीमत मौजूद है। मान लो आप कोई वेबसाइट है एक्स वाई जेड, वहाँ पर किसी मोबाइल का प्राइस 50,000 है और दूसरी वेबसाइट है ABC, वहाँ पर 48,000 है। लेकिन अगर वो वेबसाइट जेन्युइन है तो आप 48,000 कंपेयर करके अपना 2,000 मुनाफा कर सकते हैं, और इससे आपका कुछ टाइम का, ये मान के चलिए कि अगर आप 200 रुपये का रिचार्ज भी कराते हो लगभग आपका साल का रिचार्ज हुआ मान के चलिए, तो ये सब रहता है। फिर उसके बाद है थर्ड पॉइंट, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कोई भी डील ज़रूरत से ज़्यादा आकर्षक है तो सावधान रहिए। इसलिए कोई भी, क्योंकि कोई भी पर्सन मुफ्त में चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं देता, वो आपकी जेब में से ही, आपके पैसे से ही आपको वो चीज़ देता है। बस उसको दिखाने का तरीका कुछ और होता है और आपको ये लगता है कि उसने आपको फ्री में कोई चीज़ दी है। हालांकि ये इस बात का ध्यान रखें क्योंकि कुछ प्रोडक्ट फोटो के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव, इतने आपका ध्यान केंद्रित कर देते हैं, इतने आपको अट्रैक्टिव लगते हैं कि आप ये भी भूल जाते हो कि वो सही है या नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग वो वैलिड है या नहीं है। तो इस तरह की घटना से, इस तरह की जो चालाकी से आपको बचना चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते समय ऑनलाइन शॉपिंग करना आसान तरीका है, लेकिन वो पहले जांच ले कि क्या वहाँ से आप
जो बाइक खरीद रहे हो वो सही है या नहीं, उसका मेन मकसद आपका डाटा या आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेना तो नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। और कोशिश करें जहाँ पे पॉसिबल हो तो ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन अगर आप बाय भी करते हो, अगर आपको लगता है कुछ डाउटफुल है तो आप कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन ही सिलेक्ट करें, ताकि प्रोडक्ट अगर आपके पास आएगा आप देख के फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ये ध्यान रखिए कि आप जो सामान खरीद रहे हैं वो पहले किसी ने खरीदा है या नहीं, उसकी क्या रिव्यू है वो ध्यान दें। जी हाँ, आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू या रेटिंग बिल्कुल ना के बराबर है तो ये ध्यान दे खरीदते समय कि वो खरीदना क्या सही होगा या नहीं। अगर वो लो अमाउंट का है तो आपके लिए इतना रिस्की नहीं है, लेकिन अगर वो लार्ज अमाउंट का है तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो रिस्की हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें जब भी आप ऑनलाइन से शॉपिंग करते हैं। जी तो ये थी कुछ अपडेट, होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।